Good evening students, this is Bharat Pratap Singh. Today I am going to start the 10th lecture which is based on the applied psychometry or which is based on the psychometry. In this video we will cover a numerical which will show the various psychometric processes and determination of its. तो बच्चों चलिए साइकोमेट्रिक प्रोसेस के कई सारे एप्लीकेशन या कई सारे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं. न्यूमेरिकल्स जैसा कि हमने एक न्यूमेरिकल पीछे कवर किया हुआ, ये उसका दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ और डेटास निकालने होंगे तो वो कैसे हम निकालेंगे तो थोड़ा सा उससे चेंज है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. वन सेकेंड. कह रहा है एयर विच इज़ हैविंग 15 डिग्री सेल्सियस डेबल टेम्परेचर एंड 11 डिग्री सेल्सियस विडबल टेम्परेचर एट 750 mm मर्करी HG एंटर्स ऑन 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीटिंग कॉइल. मतलब कि 15 डिग्री सेल्सियस डेबल टेम्परेचर और 11 डिग्री सेल्सियस विडबल टेम्परेचर वाली वाई जिस पर दाब 760 मिलीमीटर पर एक एटम में है, 41 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली हीटिंग कॉइल यानी तापन कॉइल पर प्रवेश करती है. बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉइल 0.5. तापन कॉइल का उपमार गुणक जिसको बाईपास फैक्टर कहते हैं 0.5 है. तो निम्न को ज्ञात कीजिए या तो ज्ञात कीजिए. पहला, डेबल टेम्परेचर ऑफ एयर लिफ्टिंग द कॉइल. कॉइल छोड़कर निकलने वाली वायु का डेबल टेम्परेचर, वेटबल टेम्परेचर और तीसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता और चौथा सेंसिबल हीट तो पर किलोग्राम ड्राई एयर में निकालना हमें दिया गया सेंसिबल हीट. ठीक, तो चलिए इस पार्ट को करने के लिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको नोट कर लेते हैं बच्चों. तो क्या क्या गिवन डेटा है जरा वो देख लेते हैं. एक सेकंड, गिवन डेटा क्या क्या है उसको देख लेते हैं. तो गिवन डेटा तो बच्चे पहला है कि जो प्रेशर है, बारोमेट्रिक प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm मरकरी के टन में, है ना. एक मिनट, और डिस्टर्बेंस होती है थोड़ा सा. चलो ठीक. दूसरा, तो ड्राइवल टेम्परेचर हमने कहा था स्मॉल टी से नोट करते हैं. तो 15 डिग्री सेल्सियस से एंटर कर रही है तो हमने मान लिया ड्राइवल टेम्परेचर पहला कंडीशन, या टी मान लीजिए पहला कंडीशन दे दीजिए. तो हम सिंपल टी वन कर लेते हैं. पहला कितना है 15 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है और वेटबल टेम्परेचर दिया है. तो हमने कहा था वेटबल टेम्परेचर को टी डैश वन मान लेते हैं. टी डैश से वेटबल टेम्परेचर दिखाते थे नोटिफिकेशन में, बताया था आपको. तो टी डैश वन का ये भी था तो इसको हमने मान लिया 11 डिग्री सेल्सियस पे है और विडबल टेम्परेचर जो वन कंडीशन पे है यानी ये टोटल पहली वाली कंडीशन इनलेट वाली 11 डिग्री सेल्सियस है. एक चीज़ और दिया है कि जो 41 डिग्री सेल्सियस दिया है कॉइल का टेम्परेचर, तो हमने मान लिया कॉइल का टेम्परेचर कितना है टी सी मान ले रहे हैं 41 डिग्री सेल्सियस. हालांकि ये ड्राइवल टेम्परेचर ही होता है तो आप इसको T3 कर सकते हैं, है ना बच्चों. कॉइल का टेम्परेचर भी तो ड्राइवर टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस. और एक चीज़ और दिया है बाईपास, एक सेकंड, हाँ बाईपास फैक्टर कितना 0.5. ये गिवन कंडीशन था. टू फाइंड आउट हमें क्या करना है वो नोटिफिकेशन में है तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ. तो सॉल्व कैसे करेंगे जरा इसको देख लेते हैं. सॉल्व करने का तरीका, तो बच्चों यहाँ से हम करने जा रहे हैं सॉल्व. ठीक, तो सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा. ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको साइकोमेट्री चार्ट चाहिए. तो चलिए एक साइकोमेट्री चार्ट हम रखे हैं उसके हिसाब से आपको कराते हैं. ठीक है, चलिए साइकोमेट्री चार्ट ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम करा देते हैं. ये हमारा साइकोमेट्री चार्ट है बच्चों. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ के हम प्लॉटिंग करेंगे. डिफरेंट पेन ले लेते हैं, मार्कर स्केच, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, चलिए. तो
तो पहला कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है बच्चों कि 11 डिग्री सेल्सियस ड्राई वाटर टेम्परेचर, पहला कंडीशन यही है। जो इनलेट कंडीशन है 15 डिग्री और 11 डिग्री, तो 15 डिग्री सेल्सियस ड्राई वाटर टेम्परेचर है ना, तो 10-20 ये ड्राई वाटर टेम्परेचर की लाइन्स हैं एक्स एक्सिस में, इधर से लेफ्ट टू राइट में बढ़ती है। तो 15 डिग्री सेल्सियस ड्राई वाटर टेम्परेचर अगर है, 15 डिग्री सेल्सियस ड्राइवल टेम्परेचर है, तो ये 10 और ये 20 के मिडिल में बिल्कुल होगा। हमने मान लिया ये मिडिल है 15 डिग्री सेल्सियस ड्राइवल टेम्परेचर। 15 डिग्री सेल्सियस से एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, क्योंकि ड्राइवल टेम्परेचर की लाइनें सारी वर्टिकल्स होती हैं, ठीक। हमने खींच दी। अब कोई भी पॉइंट लोकेट करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, तो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, घबरा क्यों रहे हैं? दूसरा कंडीशन क्या है? 11 डिग्री सेल्सियस वेटबल टेम्परेचर। तो 11 डिग्री सेल्सियस वेटबल टेम्परेचर और वेटबल टेम्परेचर की लाइन से खींच, तो ये जो इंक्लाइन लाइनें हैं ये वेट वेल टेम्परेचर की लाइन्स हैं। तो वेट वेल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस 20-30 है ना, ये जो इंक्लाइन लाइन्स है, ये जो इंक्लाइन लाइन्स है, तो वेट वेल टेम्परेचर हमें दिखाना है अगर तो 11 डिग्री सेल्सियस, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस की वेट वेल टेम्परेचर लाइन है, देख सकते हैं आप 10 डिग्री सेल्सियस। तो जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ये 10 और 20 का ये है, ये 10 है, ये 20 है, तो ये 15, 14, 13, 12, 11 अप्रॉक्स और वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन्स है वो 11 की यहाँ कहीं होगी, है ना। तो हम 11 पे भी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन्स खींच लेते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर के पैरेलल ही वो इंक्लाइंड है, तो ये भी इंक्लाइंड ही होगी, ये लाइन्स होगी। तो ये हो गई 15 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब T1, और ये हो गया T-1, ये 11 डिग्री सेल्सियस है, देख सकते हैं आप ये 10 और ये 11। तो पॉइंट हमें मिला ये वाला इंटरसेक्शन पर, ये हमने मान लिया पहला पॉइंट, पहला कंडीशन था ये, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन प्लॉट करते हैं। तो दूसरा कंडीशन दिया है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें पॉइंट एक से एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। पॉइंट वन हमें जो मिला था उससे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है ना, तो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन से हम एक लाइन खींच दी है, ठीक। मतलब यहाँ पे जो ओमेगा होगा वो कांस्टेंट होगा, ओमेगा वन जो होगा देखते हैं जो भी होंगे, ठीक। तो ओमेगा वन तो हमने प्लॉट कर दिया, सॉरी हमने पॉइंट वन तो प्लॉट कर दिया, टू कहाँ से मिलेगा या थ्री कहाँ से मिलेगा? तो थ्री के लिए टू कंडीशंस तो नहीं दिया, टू पे सारी चीज़ें निकालनी है, टू कंडीशंस पे ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है आउटलेट पे, हाँ। लेकिन कॉइल का टेम्परेचर दे दिया, तो जो हम कॉइल माने हैं वो है 41 डिग्री सेल्सियस, तो हम मान लेते हैं यही सरफेस टेम्परेचर है कॉइल का, यही कॉइल टेम्परेचर है। तो देख लेते हैं जरा कॉइल का टेम्परेचर कितना है। तो कॉइल का टेम्परेचर बच्चों है 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो हमें कॉइल का टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब T3 दिया हुआ है कॉइल का टेम्परेचर, है ना। तो हम कॉइल के टेम्परेचर मान लेते हैं हम 41 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे ड्राइवल टेम्परेचर 41 क्या है, ये ड्राइवल टेम्परेचर 30-40-50 है, तो ये हो गया 45 अप्रॉक्स, ये हो गया 41। तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ से खींच दीजिए 41 की, तो ये 41 की अगर हम वर्टिकल लाइंस खींचे हैं, एक मिनट रहो, ठीक। तो ये कहाँ कट कर रहा है, वन से हमने कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी की लाइन खींचा, तो ये लाइन यहाँ गई। अब हमने 41 डिग्री सेल्सियस ड्राइवल टेम्परेचर से जो कॉइल का टेम्परेचर है, या सिंपली T3 कह लीजिए, ये पॉइंट मिला हमें, क्योंकि हमने 41 का वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन, तो ये हो गया 0.3। अब 1 और 3 के बीच में कहीं हमारा आउटलेट कंडीशन है, 1 इनलेट कंडीशन है, 3 कॉइल की कंडीशन है, अब 2 कंडीशन आउटलेट कंडीशन बीच में कहीं है, 1 और 2 के बीच में, है ना। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो पॉइंट टू होगा ये इनलेट, ये टू आउटलेट होगा, और ये कॉइल की कंडीशन हम बनाते थे ना। देखिए क्या करते थे, मान लीजिए हमारा डक्ट है, यहाँ पे हमारी अगर कॉइल होती थी, तो कॉइल का टेम्परेचर मान लेते थे T3, और इनलेट टेम्परेचर मान लेते थे T1, और आउटलेट टेम्परेचर मान लेते थे T2। तो बाईपास फैक्टर क्या हो जाता था इसका, बाईपास फैक्टर क्या हो जाता था बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, तो कॉइल का टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर बाई कॉइल का टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर,
तो टी वन तो आपको पता है 15 डिग्री सेल्सियस, टी थ्री भी आपको पता है, बाईपास फैक्टर भी पता है, तो यहाँ से टी टू निकल जाएगा, मतलब ड्राइवल टेम्परेचर 2 निकल जाएगा, तो आउटलेट कंडीशन निकल जाएगी। ये कॉइल का कंडीशन दिया है 41 डिग्री सेल्सियस, और ये इनलेट कंडीशन 1 की ये दे दिया है 15 डिग्री और 11 डिग्री, कोई दो पॉइंट चाहिए लोकेट करने के लिए, तो एक ड्राइवल टेम्परेचर एक वेटवल टेम्परेचर, ये पहला पॉइंट मिल गया। और इसी को हमने कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी से किया, और दूसरा पॉइंट कहाँ से मिला, कॉइल टेम्परेचर से, ड्राइवल टेम्परेचर 41 पे हमने वर्टिकल प्लॉट कर दिया, तो इसको जहाँ इंटरसेक्शन किया हुआ कॉइल का कंडीशन हो गया, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। आउटलेट कंडीशन नहीं पता है, और आउटलेट कंडीशन पे ही सारी चीज़ें निकालनी है, मतलब क्या ड्राइवल टेम्परेचर, वेटवल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सेंसिबिलिटी। तो चलिए वन बाय वन पहले निकालते हैं। तो टू कंडीशन मतलब बीच में कहीं है, वन और टू के बीच में। ऑब्वियसली अगर कॉइल हीटिंग कॉइल है बच्चों, हीटिंग कॉइल है, तो ये जो टेम्परेचर मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये 15 डिग्री सेल्सियस से अगर कॉइल का टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर है, और कॉइल का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आउटलेट 41 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि हीटिंग कॉइल है, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। 51 डिग्री सेल्सियस एयर 41 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, तो आउटलेट ऑब्वियसली 41 से कम होगा और 15 से ज़्यादा होगा। तो मतलब ये 1 और 3 के बीच में टू कंडीशन कहीं है, हमें वो पता लगाना है कहाँ। तो सबसे पता लगाने के लिए बाईपास फैक्टर से ही पता चल जाएगा, कैसे, देखिए देखिए। तो बाईपास फैक्टर क्या होता है, पहला पार्ट, बाईपास फैक्टर क्या होता है, कॉइल टेम्परेचर, हीटिंग कॉइल का बता रहा हूँ बाईपास फैक्टर, माइनस आउटलेट कंडीशन या आउटलेट टेम्परेचर अपॉन कॉइल टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर। बाईपास फैक्टर दिया है बच्चों क्वेश्चन में 0.5, T3 दिया है 41 डिग्री सेल्सियस, माइनस T2 नहीं दिया है, पता करना है, अपॉन T3 दिया है 41, माइनस T1 दिया है 15। यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आपका जो T1 होगा, या सॉरी जो T2 होगा, ड्राइवल टेम्परेचर 2, यही है ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 पॉइंट का, ठीक, T2 स्मॉल टी से दिखाते हैं ड्राइवल टेम्परेचर को, ये आपका T2 आ जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए, मतलब जो पॉइंट 2 हमारा है वो कहाँ है, ड्राइवल टेम्परेचर 28 डिग्री, तो ये 20, 25, 26, 27, 28 अप्रॉक्स यहाँ पे, तो 28 डिग्री सेल्सियस से हमारा पॉइंट 2 है। तो इस 28 डिग्री सेल्सियस से आप एक वर्टिकल लाइन अगर प्लॉट कर देंगे, ये हमने प्लॉट कर दिया, तो जो ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को काटेगा वही हमारा आउटलेट कंडीशन 2 होगा बच्चों, यही 2 कंडीशन है, ठीक। अब इसी 2 कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें निकालनी है, तो पहला तो हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट में क्या पूछा, वेट बल्ब टेम्परेचर, देखिए ना वन बाई वन आपको कोशिश करता हूँ, स्क्रीन छोटा है बट समझने की कोशिश करिए। दूसरा पूछा वेट बल्ब टेम्परेचर, तो पहले वाले का दे दिया था 11 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले का पूछा है, मतलब T1 तो 11 है, T2 पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए टू कंडीशन आपको पता है, यहाँ से इंक्लाइन लाइन खींच लीजिए, टू कंडीशन पे वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है ना, ये 20 डिग्री, ये लाइन 20 डिग्री सेल्सियस, ये लाइन 30 डिग्री सेल्सियस, इसी के पैरेलल 2 से हम एक लाइन खींच लेंगे, ये मान लेते हैं हमने ये खींच लिया, तो ये देखिए कितना होगा। तो देखिए बच्चों, ये 10 डिग्री सेल्सियस, ये लाइन 10 डिग्री सेल्सियस ड्राइवल टेम्परेचर की है, ये लाइन 20 डिग्री सेल्सियस ड्राइवल टेम्परेचर की है, वेट बल्ब टेम्परेचर की है, आई एम सॉरी, ये लाइन 10 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर की, ये 20, ये 30, 10 का है गैप, और नॉन स्पेसिंग है, इक्वल स्पेसिंग नहीं है, नॉन इक्वल स्पेसिंग है, मतलब एक दूसरे से समान देख सकते हैं, इसके बीच में दूरी इतनी इतनी है। तो ये कितना हो सकता है अप्रॉक्स, मान लीजिए ये 10 है, ये 20, तो ये 15, ये 16, तो वेट बल्ब टेम्परेचर अप्रॉक्स 16 आ जाएगा। तो यहाँ से जो चार्ट से निकला, वेट बल्ब टेम्परेचर 0.2 पे, यानी जो T2 होगा वो 16 डिग्री सेल्सियस होगा ग्राफ से। तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ, फ्रॉम ग्राफ कितना है ये 16 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पार्ट हो गया, अब तीसरा पार्ट कर लेते हैं इसका आंसर। तीसरा पार्ट क्या पूछा है बच्चों, देखते हैं, तीसरा पार्ट पूछा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू कंडीशन पे। तो अब इसी 2 पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखनी है हमें, तो इसी पे अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखें, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, कर्व है, ये सैचुरेशन लाइन है या कर्व है, इसी के पैरेलल सारी जो लाइनें हैं
ये जो लाइनें हैं, ये जो कर्व है, वही हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व है। तो टू पे हमें देखना है, तो टू से इसी के पैरेलल, मतलब इसी के पैरेलल सेचुएशन कर्व के हम टू पे प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी परसेंट है, ये 20% है, ये 40% है। ये 20% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है और ये 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। तो बच्चों ये 20 है, 40 है, अप्रॉस आप देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में है। तो मैं कह दूं कि 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, अप्रॉक्स मिडिल में है, 5% एरर चलेगा। 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है टू पे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइव से दिखाते हैं। फाइव टू या रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 0.2 इज इक्वल टू कितनी है बच्चों, तो ये है 30%। तो तीसरा परसेंट, तीसरा भी मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम ग्राफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट, सॉरी बच्चों टू पे, एट 0.2 इज इक्वल टू 30% है ना। फाइव टू, इसी को हम फाइव टू भी कह रहे हैं, ठीक है। चलो चौथा पार्ट क्या कह रहा है, सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट कैसे निकालेंगे, तो सेंसिबल हीट क्या होता है, पॉइंट वन देख लेते हैं, टू देख लेते हैं। मतलब कहने का ये है, हीटिंग कहाँ से हो रही है, हमें कॉइल से तो मतलब नहीं है, ये इनलेट कंडीशन है, आउटलेट कंडीशन है। तो कितना हम एयर को सेंसिबल हीट दे रहा है, तो 1 to 2 ही दे रहा है, यही दे रहा है। तो 1 और 2 पे एंथैल्पी की लाइन प्लॉट कर लीजिए। तो ये 1 पे एंथैल्पी की लाइन, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के ही इंक्लाइनेशन सेम होता है, और 2 पे भी वही है। तो 1 और 2 पे हम देख लेते हैं एंथैल्पी कितनी है, 2 की एंथैल्पी है और ये 1 की एंथैल्पी है। H1 H2 निकाल लीजिए, ये देखिए, तो ये कितना है, ये 2 पॉइंट पे एंथैल्पी H2 हो जाएगी, H2 कितनी है। तो ये बच्चों एंथैल्पी की लाइनें इधर से लेफ्ट कॉर्नर से इधर बढ़ती हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ती हैं, देख भी सकते हैं 20, 40, 60, 80 किलो जूल पर किलोग्राम में यूनिट होती है। तो H2 कितना है, तो देखिए ये 20 है, ये 30 है, ये 40 अप्रॉक्स, क्या एग्जैक्टली 50 वाले लाइन को कोइंसिडेंट कर गया। तो H2 कितना हो जाएगा, 50 किलो जूल पर किलोग्राम। अब H1 देख लेते हैं, मतलब 0.1 से इंक्लाइन लाइन खींचा, एंथैल्पी के पैरेलल देख सकते हैं, एंथैल्पी की लाइनें ये है, ये है, इसी के पैरेलल हम 0.1 से खींचे, एक्सटेंड किए 0.1 को एंथैल्पी के पैरेलल। तो ये 20, 30 और ये 40, 30 और 40 के बीच में, तो ये 35 अप्रॉक्स 34। तो H1 कितना है, 34 यूनिट वही होगी, किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जो H1 है हमारा वो है 34 किलो जूल पर किलोग्राम, और जो H2 है वो है 50 किलो जूल पर किलोग्राम। तो सेंसिबल हीट एयर को कितना देंगे हम, तो सेंसिबल हीट एयर को जितना देंगे क्या हो जाएगा बच्चों, H2 माइनस H1 इतना ही दे रहे हैं ना। ये आउटलेट कंडीशन, ये इनलेट, ये तो कॉइल की है, कॉइल मैक्सिमम टेम्परेचर होगा क्योंकि कॉइल हीटिंग है, तो ये तो कॉइल की कंडीशन है। हमें जो चाहिए, 2 पे ही एग्जिट हो रहा है, 1 पे इनलेट है, तो 1 और 2 के बीच में कितना हीटिंग है, मतलब प्रति किलोग्राम शुष्क वायु के लिए आपने कितनी वायु को ऊष्मा दी है। तो यही ना सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट क्या है, इंक्रीजिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देख सकते हैं T1 से, और ये T2 है, T2 कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। तो जो T2 आया था 28 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं सेंसिबल हीट क्या होता है, इंक्रीजिंग द ड्राइबल टेम्परेचर। तो 15 से 28 पे गया है, 1 टू 2 गया है एट कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी। तो जो ओमेगा 1 है वही ओमेगा 2 है, वही ओमेगा 3 है, यही सेंसिबल हीटिंग है। मतलब ह्यूमिडिटी नमी को कांस्टेंट रख के ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 15 से 30, 28। तो कितनी ऊष्मा हम दिए हैं, मतलब हम कितनी सेंसिबल हीट दिए हैं, तो H2 माइनस H1, क्योंकि हीट देने की बात होती है तो एंथैल्पी भी क्या है, हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। तो H2 माइनस H1, ये इंक्लाइन लाइनें एंथैल्पी की लाइनें होती हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें होती हैं, दोनों सेम डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। तो हमने उसी के समांतर, ये एंथैल्पी की जो लाइनें दिख रही है ना, ये इंक्लाइन, उसी के समांतर हमने 0.1 से एक्सटेंड कर दिया और 2 से एक्सटेंड कर दिया। H2 इस लाइन पे, इस स्केल पे देख लिया कितना था, H1 भी इस स्केल पे देख लिया कितना था। अब स्केल पे देखने के बाद हमने नोट कर लिया। तो चौथा पार्ट जो पूछा था कि कितना
क्या पूछा था कि सेंसिबल हीट कितना दिए, तो सेंसिबल हीट हमने बच्चों क्या दिया, तो सेंसिबल हीट हमने दिया, सेंसिबल हीट गिवन टू द एयर, एच टू हायर होगा एच वन लोअर होगा, स्मॉल भी कर सकते हैं, बेसिकली पर किलोग्राम लिख रहे हैं तो एच टू माइनस एच वन कर लीजिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी। एच टू कितना है 50, एच वन कितना है, एक सेकंड, एच वन कितना है 34, तो ये आपका आ जाएगा 16 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, शुष्क वायु का, ठीक है बच्चों। तो ये आपका अप्रॉक्स 16 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर यूनिट का। तो यही पूछा था, इतना ही पार्ट हमने करा दिया। आप एक बार ग्राफ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ऐसे मैं ग्रुप में भेज दूंगा। फिर भी आप जो लोग नहीं हैं बच्चे, उनके लिए ये ग्राफ है, ग्राफ से हमने डेटा फाइंड किया है। हमेशा बताया है ये ड्राइवल टेम्परेचर है, लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है, ये वेटबल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, डाउन टू अप बढ़ती है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व है जो सैचुरेशन कर्व की तरफ बढ़ती है, देख सकते हो 20, 30, 40, 60, 80 और सैचुरेशन कर्व पे फाई कितना हो जाता है, इस कर्व पे सैचुरेशन कर्व पे कितना हो जाता है फाई, 100% सैचुरेटेड कर्व पे, मतलब 1 हो जाता है। ये वेटबल टेम्परेचर की लाइनें हैं 20, 30, 10, ठीक, और यही एंथैल्पी की लाइनें भी होती हैं सेम डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन पे, 20 किलो जूल पर किलोग्राम, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, ठीक। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो ड्राइवल टेम्परेचर की होती है, जो 10, 20, 30, 40 लेफ्ट टू राइट में बढ़ती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप ये देख सकते हैं, और आपका ये क्वेश्चन हमने ग्राफ से सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बारोमेट्रिक प्रेशर का कोई यूज नहीं था, बस अब ये था, मतलब कहने का मतलब ये था कि उसमें क्यों दिया था बारोमेट्रिक प्रेशर, क्योंकि हमारा जो साइक्रोमेट्री है वो इसी प्रेशर पे डिजाइंड होता है, तो हम साइक्रोमेट्री चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट होगी कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे मैंने कोई डाउट छोड़ा नहीं है। बाईपास फैक्टर मैंने पिछले के क्वेश्चन से कराए हैं, कैसे कराया है, हीटिंग कॉइल का है ये बाईपास फैक्टर, हीटिंग कॉइल का है, तापन कॉइल का है, कूलिंग कॉइल का भी मैंने कराया है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आपका चैप्टर खत्म होता है तो आपको करना क्या है, मैंने ये लास्ट वीडियो था अप्लाइड साइक्रोमेट्री का लास्ट न्यूमेरिकल और लास्ट वीडियो भी और सब्जेक्ट का भी लास्ट पार्ट था, तो बच्चों बहुत मेहनत से पढ़ाया है, और मुझे पता है एक चीज़ कि पता चल जाता है बच्चों कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितना मिनट देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लोग देखे हैं, ईच एंड एवरीथिंग होती है, पूरा एनालिसिस होता है चैनल्स पे, तो पता चल जाती है। एक चीज़ मुझे पता है कि 1-2-3 बच्चों को छोड़ के कोई पढ़ नहीं रहा है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि एक ही दिन पढ़ लूँगा तो वो नहीं होने वाला है बच्चों, है ना, आप डेली कुछ ना कुछ एक एक वीडियो 20-30 मिनट का हम बना रहे हैं, 40 मिनट का बना रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए बाय बच्चों, गुड नाइट।